हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री दरबार साहिब अमृतसर मिति 28 अक्टूबर 2022। सलोक महला तीजा। तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज फरमाउंदे ने, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, गुरु वल मुख करन वाले जिन्हों का मुख गुरु वल है, गुरमुख जन ओ प्रभु नू सिमरदे हन जो सदा सच्चा है। अन दिन सहज प्यार, अन दिन हर रोज सहज आत्मक अडोलता विच टेक के प्यार विच भिज के वह गाउंदे ने। सदा आनंद गावे गुण साचे, वह सदा ही आनंद विच चढ़दी कला विच सच्चे प्रभु दे गुण गाउंदे ने। अरद उरद हेठां उपर पाव सारे थां ते व्यापक अकाल पुरख वाहिगुरु उस नूं उर तार हिरदे विच तार के अंतर प्रीतम वसिया। अकाल पुरख वाहिगुरु प्रीतम प्यारा उन्हां दे हिरदे विच अंदर वसिया है। यह किवें संभव है? तुर करम लिखिया करतार, तुरों वाहिगुरु दा रहमो करम कृपा हुई है, उहदा लिखिया प्रगट होया तां उहदा वासा अकाल पुरख दा हिरदे विच होया, भाव अकाल पुरख दा हिरदे च वसना उहदी कृपा नाल ही संभव है। नानक आप मिलायन आपे कृपा तार, वाहिगुरु ने आप ही कृपा करके आप ही अपने नाल मिलाया है। मनुख दे जतन अपनी थां ने, उहदी कृपा लैण लई उहदी रहमत कर लैण लई मनुख अरदासां बेनतियां जोदड़ियां करदा है, उहदा नाम जपदा ध्यांदा है, पर उहदे नाल मिलाप जिहड़ा है निरोल उहदी कृपा नाल संभव है। गुरु साहिब ने एक रता भर भी एक सूखम तो सूखम भी होमे मनुख दे अंदर पैदा नहीं होण दित्ती। वह हर गल दा हर आत्मक प्राप्ति दा जो एक कह लो कि सिहरा है क्रैडिट है वह अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा नूं दिंदे। काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता। सेवा घालण नूं भी कहिंदे ही है, नाम जपण नूं भी कहिंदे ने। नानक जिवें पढ़दे हां जपजी साहिब जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत काल, काल करन नूं भी कहिंदे ने, पर नाल ही कहिंदे ने कि भरोसा उहदी कृपा ते रखणा है, आपदी घालणा ते नहीं रखणा। भाई गुरदास जी ने लिखिया, अपनी करनी कर नरक हुना पावो ठोर, तुमरे विरद कर आसरो समार। आसरा सिर्फ उहदी बख्शिश दा लैणा है, अपने कर्मां नूं गिणना नहीं है। जिन्ने मर्जी चंगे नेक काम किए जाण, पर यह रता भर भी जदों अपने मन च आउंदा है भी ये मेरे किए हुए कर्म करके है, तां उह होमे नूं जन्म दिंदा। होमे नूं मारना धर्म की साधना है, तो होमे नूं पैदा करन लई आपे ही आपां गिणतियां करन लग जाईए, मेरे इन्ने पाठ हो गए, मेरे हो गया। जदों असीं गिणतियां करदे हां गणत सेव ना होवे। असल विच जदों मनुख अपने कर्म गिणन लग जांदा नेक चंगे, मैं इन्नी सेवा की, इन्ना पाठ किया, इन्ना सिमरन किया, तो वह फिर अपने कर्म अखा अगे आते हैं, बार बार याद आता भी मैं आता मैं वह किया, तो ये होमे वध जाती है, तो और दूरी सगो होर वधदी है परमात्मा नाल। गुरु महाराज जी ने हर थां ते मनुख दे हर चंगे काम नूं जिवें तुमरी कृपा ते पयो साध संग इह काज तुम आप कियो, संगत भी की है, असीं घरों चल के भी गए हाँ, सुनिया भी है बह के, पर फिर भी यह कहना है कि लैके वाहगुरु गया, उहदी मर्जी सी ते असीं कोई दो अखर सुन सके हाँ, उन्हें कन्न दिते है सुनने वास्ते। जे बंदा गहराई नाल सोचे तो सचमुच सारा कुछ परमात्मा ही कर रहा है। असीं जे सुनिया है तो कन्न असीं आप नहीं कोई बनाए, जे असीं वेख्या है तो अखां साडियां रब ने लाइया ने, जे असीं तुरे हाँ तो यह कदम ये पैर ये चाल ये वाहगुरु ने इहदे च पाई है। तो जे मनुख सचमुच परमात्मा के सिमरन में जुड़ता तो वह अपने एक एक इस आत्मक जीवन के कदम वह परमात्मा की कृपा नाल चलिया होया मानता है। जिथे बंदे की मैं बोल पैंदी है उत्थे ही वह रब तो दूर हो जाता। सारे शब्द का इस श्लोक का समुचा भाव यह है कि जदों भी मिलाउंदा वाहिगुरु आप ही मिलाउंदा है। बंदे ने हमेशा यह कहना है भी जाप तप संजम धर्म ना कमाया, कि महाराज असी कोई जाप नहीं किया, कोई ताप नहीं किया, कोई धर्म नहीं, कोई सेवा नहीं, साडे पल्ले कुछ नहीं है, असी तो नीच कर्म करने वाले, कहो नानक कम नीच कर्म। यही भावना बंदे की होमे नूं मारदी है तो बंदा परमात्मा दे नाल अभेद हो जाता। यह जद तक कायम रहिंदी है बंदा भटकदा रहिंदा। गुरु साहब ने इस श्लोक विच भी परमात्मा की कृपा नूं नज़र नूं ही सब तो वड्डा दस्या है। गुरमुख मनुख सिमरदे हन, ध्यांदे हन, गुण गाउंदे हन, पर उन्हां दे मन विच भाव यही हुंदा है कि वाहिगुरु ही सारा कुछ करवा रहा है, असीं कुछ भी करन योगे नहीं हां।
दूजे श्लोक अंदर तीजे पातशाह महाराज फरमाउंदे ने कहे है कथे है ना पाई है भी कहण नाल गल्लां करन नाल नहीं जी मिलन वाला ये कोई सौदा ये एक कह लो कि मन दे राम लिया है मोल वो मन दे वटे खरीदने वाला काम है अपना मन मैं मेरी नूं जद तक नहीं त्याग दे उन्नी देर तक उन्हें मिलना नहीं कहे है कथे है ना पाई है अन दिन रहे सदा गुण गाए हुण कोई गुण गाउणे तां रब दे चंगी गल पर कोई सदा ही गुण गाई जावे अन दिन रोज़ गाई जावे पर गल्लां वाला ही होवे उहदे मन विच भावना ना होवे परमात्मा प्रति केवल अखां मीटण दी गल नहीं है केवल मूँह तों बोलण दी भी गल नहीं है। गुरु जी ने वार बार ये गल कही है कि ना भीजै रागी नादी भेद ना भीजै सुरती ज्ञानी योग ये भी लिखिया होया कोई गावै रागी नादी भेद की बहु भांत करनी हर हर भीजै राम राज। असल विच जिहड़ी जरूरी चीज़ है वह भावना है कहिया कथिया ना पाईए अन दिन रहे सदा गुण गाए कहण नाल कथ जिथे गाउण की गल है ना गावीए सुनीए उत्थे नाल मन रखिए भाव भी है भावना तो बिना गाया होया मिट्टी है व्यर्थ है बल्कि होमे वधाउंदा सुनिया मनिया मन कीता भाव इत्थे भी भाव नाल है भाव तो बिना प्रेम तो बिना कुछ भी नहीं है जिथे सिर्फ गल्लां ने वो चाहे रब दे नाम दियां ही होण कहे है कथिया ना पाईए अन दिन रहे सदा गुण गाए विण करम है कि ना पायो वाहगुरु दे एक करम फारसी वाला है एक पंजाबी दा हुंदा करम काम दूजा करम फारसी दा या अल्लाह करम कर कृपा कर विण करम है बिना कृपा तो ना किने ना पायो किसी ने भी वाहगुरु नूं अज तक पाया नहीं भौंक मोए बिल लाए बिलक के भौंक के मर गए कई खप गए खत्म हो गए रब किसी दे वस च नहीं जी आउंदा ना तू आवें वस बहुत किणावने ना तू आवें वस वेद पढ़ावने ना तू आवें वस तीर्थ नहाइए ना तू आवें वस धरती ताइए ना तू आवें वस कितै सियाणपै ना तू आवें वस बहुता दान दे बहुत दुनिया कल्प गई केवल भगतां दे तू भगतां के वस भगतां तान तेरा क्यों क्योंकि उत्थे प्रेम है भाव है भाव जिहड़ा है वह कृपा तो बिना लगता नहीं अपना अपने आप कोई भाव नहीं ला सकता ये लिए भी मंगना ही पएगा कि वाहगुरु कृपा कर प्रेम की भाव की दात बख्श विण करमै किने ना पायो भौंक मोए बिल लाए गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए गुरु के शब्द द्वारा बंदे का मन तन भिज जे जिहड़ा गुरबाणी कीर्तन है वाहगुरु की बाणी नूं वार वार गाउणा उस शब्द नूं अपने कन्नां नाल सुनना विचारना मन भिज जांदा हौली हौली जे भिज जेगा तो तुहानू रब नूं आखना भी नहीं पएगा वह आपे ही आके हिरदे च वस जांदा उहदे वसण जोगी जगह बन जांदी गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए वह आप ही हिरदे विच आके वस जांदा है नानक नदरी पाई है मतां कोई सोचे भी ये आपदे जोर नाल गल बन जू ये नदर है किरपा है किरपा नानक नदरी पाई है आपे लय मिलाए वह वाहिगुरु आप ही मिलाउंदा है आप ही मिलाउंदा है। धरती दे उत्ते कोई दो रब नहीं हैगे कोई तीन नहीं हैगे सानू दो विरोधी चीज़ां दिखदियां ने ते असीं मान लांगे कि इहदे कोई दो है जिवें मान लो कोई बंदा इहदे सानू कोई शरीर दियां हरकतां उहदी सोचणी उहदे काम ढंग समझ ना आउण ते बीमारी भी समझ ना आवे ते लोकी कह दिंदे वी इहदे च कोई ओपरी कसर है इदां ही लोकां ने मान लिया भी दुनिया ते आ जिहड़े चंगे काम है रब दे आ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੋ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਏ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਮਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਏ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਆ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਰਤ ਆ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੋ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ।
पौड़ी दे विच महाराज गुरु रामदास जी कहिंदे आ कि तुसीं देखो वी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथा आप पीजे। कहिंदे वी आपे वेद शास्त्र पुराण आ ते आपे ही कहण वाला आ ते आपे ही अगले बन्ने सुनण वाला। इस गल नूं ध्यान नाल समझणा। इत्थे इक पौड़ी होर भी हुंदी आ जिथे आउंदा वी ओह पकाउण वाला भी है ते ओह खाण वाला भी है। आपे धरती बीजण वाला भी है, धरती भी आप ही है। आपे धरती आप है राहक, आप जमाए पिसावै, आप पकावै, आप भांडे दे परोसै, आपे ही बैखावै, आपे जल आपे दे छिंगा, आपे चुली भरावै। मतलब परमात्मा की सर्व व्यापकता। आ हुण दिवाली लंघ के गई आ, वह खंड के खिडौने जे विकदे सी, वह खंड के खिडौणियां दे विच ना अड्ड अड्ड शकलां बणियां हुंदियां ते हुंदी सारी खंड ही आ। वह खंड का ऊठ बना दो, खंड का हाथी बना दो, खंड का घोड़ा बना दो। वो हाथी घोड़े बने दिखते अड्डो अड्डा पर हुंदी ते खंड ही है ना। गुरु साहब जी ने कहा भी ओत पोत रविया रूप रंग। वह वाहिगुरु ओत ते पोत, ओत ते पोत हुंदा ताणा ते पेटा। मंजे दे विच रस्सियां लंघदियां, पहला रस्सी एनू लंघ जाती है, उहो ही रस्सी फिर दूजे पासे लंघ जाती है ते हजारां रस्सियां नज़र आउंदियां पर रस्सी इको ही हुंदी। इदां परमात्मा एक है पर उहदे रूप अनेकां ने। उह समझ नहीं आउंदे ते बंदा सोचदा भी खणी हजारां ही परमात्मा हो गए। अणगिणत शक्तियां दा वो पुजारी बन जाता। सूरज की पूजा कर ली, रुखां की कर ली, बिरखां की कर ली। हुण सूरज ग्रहण लग के हटिया, तुसीं हिसाब ला लो किन्ना कुछ लोगों ने किया होगा। गुरु जी कहिंदे ने भी परमात्मा जिहड़ा दोवें पासे सानूं महसूस नहीं हुंदा, उहनूं समझण लई गुरु जी ने उदाहरणां दित्तियां ने। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजै। फिर अगे लिखिया भी आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करी। सारा पसारा करन वाला आपे ही बह के पूजन वाला भी आप आ। आप प्रविरति आप निर्विरति आपे अकथ कथी। प्रविरत सारे दे विच फस जाना, पसारे च ग्रस्त च, ते आप निर्विरति इहदे तों निर्लेप हो जाना। आपे अकथ कथी जै, अकथ नूं कथन वाला भी वह आप है। आपे पुन सब आप कराए आप अलिप्त वरती जै। सारे पुन करन वाला भी आप है ते पुन पाप तों निर्लेप अलिप्त वरतण वाला भी वह आप। आपे ही वह दुख ते सुख दिंदा है करता पुरख ते आपे ही बख्शिश करदा। इस गल नूं ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। इस पौड़ी तों अगलियां पिछलियां पौड़ियां भी जे ध्यान नाल विचारो तां गुरु साहब ने उदाहरण दित्ती है। एक पांधा है पढ़ा रहा है, एक विद्यार्थी है पढ़ रहा है, एक पांधा पंडित कथा कर रहा है, एक सुन रहा है। हुण दो तो अलग हो गए। खेती है, धरती होर चीज़ है, बीज होर है, किसान होर है। फिर उहदा बीज फसल पक गई वह होर है। फिर उन्हूं आटा बनिया, उहदा उन्हूं पीसिया पकाया गुन्निया, फिर रोटी पक गई, फिर पकाउण वाला, फिर वरताउण वाला, फिर खाण वाला, फिर कोई हाथ धवाउण वाला, कोई जल छिंगा छिंगो जिन्हों अजक टुथ पिक कहिंदे दंदा च मारन वाला तीला जिहा, उन्हूं छिंग कहिंदे सी पुराने जमाने। गुरु रामदास महाराज ने कहा है कि तुहानूं सारयां दे विच कोई एकता नज़र आ सकती है। धरती मिट्टी होर चीज़ है, रोटी होर चीज़ है, वेखण नूं बंदा होर है, थाली भांडा होर है, पर इन्हां सारियां च भी कोई एक सांझ दिखदी है। तो परमात्मा इस तरह समझिया जा, समझा तो नहीं जा सकता, पर परमात्मा जो महसूस करना तो आ उदाहरण महाराज ने बिंब सिरजा एक प्रतीक बनाया कि आपे धरती आप है राहक, आप जमाए पिसावै, आप पकावै, आप भांडे दे परोसै, आपे ही बैखावै, आपे जल आपे दे छिंगा, आपे चुली भरावै। मुकदी गल ये कि परमात्मा सर्व व्यापक सब पासे है ते उहदी कृपा तो बिना कोई राह नहीं हैगा जीवन की सफलता का, जीवन के आनंद। इसलिए गुरमुख मनुख प्यार विच सहज विच आ के उसे नूं सेवदे ने, ध्याउंदे ने। उन्हें दुख देता सुख देता वह दो रब नहीं बनाउंदे, वह उसे दा ही मनदे ने सारा कुछ। जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, काम करो लोभ मोह हंकार भी उहदे बनाए हुए ने। इस संसार की सारी खेड का करता पुरख सिरजनहार वह अकाल पुरख वाहिगुरू आप। तो वह मनुख की हौमे नूं मारे बिना मिलता नहीं। इसलिए मनुख जिहड़ा है निरोल ते निरोला अपना आपा छड के हौमे छड के केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरू अगे अरदास बेनती जोदड़ी करके चले तो वह उहदे नेड़े लगता और उहदी मर्जी नाल लगता। नानक नदर ही पाई है, नानक आप मिलायन। ते अखीर ते लिखिया आपे बख्श करी जाए। इन्हां तिन्हां श्लोकां दे विच पौड़ी और श्लोकों के तुसी वेखो भी आप मिलायन, दूजे श्लोक विच आपे लए मिलाए,
ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੁਸ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।